एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी मैं ऐसी कार चला रहा हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, इतनी ओजी कार है ये। सबसे पहले थोड़ा सा आपको इंटीरियर दिखाता हूँ ऐसी चलाते चलाते, और उसके बाद आपको बताता हूँ कौन सी कार है। वैसे तो आप स्टेयरिंग देख के समझ जाओगे, बट भाई 10/10 कंडीशन, ऐसी मेंटेन मैंने नहीं देखी गाड़ी वाली भाई। और क्या तो कंफर्ट है, ऐसा लग रहा है मॉन्स्टर ट्रक में बैठा हुआ हूँ मैं। सो हियर इट इज, दिस इज द ओल्ड पजेरो जो अपनी फेवरेट थी, सबसे सेक्सी लगती थी। इसके बाद आई पजेरो स्पोर्ट जो इतनी पसंद नहीं थी मुझे, लोगों को इतना खास नहीं था। ये भाई टोटली मॉन्स्टर ट्रक है मैन, मॉन्स्टर ट्रक। और आज हम जा रहे हैं थोड़ा सॉफ्ट ऑफ रोड करने, मजे करने। तो अभी का सीन ये है कि अपने भैया लोग भी आ रहे हैं और उसके अलावा एक दोस्त भी आ रहे हैं अपने XUV 700 लेके। तो बहुत ज्यादा मजे होने वाले हैं, बहुत इंजॉयमेंट होने वाला है आज। हम लोग चल रहे हैं इस 20 से मॉन्स्टर ट्रक से, सच में यार बहुत पसंद है। नीतीश भैया अगर इसको निकालेंगे तो मैं पहला ओनर होऊंगा। अगर इसमें आप ऑफ रोड टायर वायर डाल दो, फोर व्हील ड्राइव पे लगा दो तो कहीं भी चढ़ सकती है ये। और अपने टाइम की बहुत ही केपेबल कार मानी जाती थी। लोगों को नहीं पता है ये US आर्मी की जो मेन कार होती है उनमें भी चलाई गई है। काफी कुछ है इस गाड़ी के पीछे हिस्ट्री, और ऐसे ही नहीं ये गाड़ी का इतना नाम है, इतना भौकाल है। यहाँ पे देखो आप क्या क्या दे रखा है, प्रॉपर एकदम ऐसा लग रहा है कि इसको बनाया था चांद पे चलने के लिए, फिर इसको यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया। 2 घंटे से वेट कर रहे हैं, कहाँ थे तुम भाई? बहुत लेट करता हूँ ना, सॉरी भाई। भाई ब्लैक पेन मतलब हर चीज में कॉपी भाई, क्या फायदा भाई। चलना 5:30 बजे, 5:30 बजे वाले ये अथर भी है, इधर आओ मिलवाता हूँ। मैंने कहा रेडी होइए, उसके बाद इनको 1-1.5 घंटे बाद फोन किया, मैंने कहा अथर भी रेडी हो जाइए। वो तो लाइन ही तुम्हें खींचने वाला है भाई, सही सही पूरा इंतजाम रखता है। ये है पजेरो, मैंने कहा बाहर से भी दिखा देते हैं, थोड़ा पानी वानी पी रहा था मैं अभी। और एकदम प्रॉपर मॉन्स्टर ट्रक लगती है भाई। के पीछे खड़ी है फॉर्च्यूनर अथर भैया वाली, और उसके पीछे XUV 700। तो अभी एक स्पॉट पे जा रहे हैं हम लोग ऑफ रोड के लिए, और नीतीश भैया ने पहली चीज़ यही पूछी थी, ऑफ रोड करने तो नहीं जा रहे हो? हमने कहा नहीं भैया। ये देखो यहाँ पे बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस लोग जा रहे हैं, 5 किलोमीटर दौड़ना है। हुए नहीं 5 किलोमीटर, सुनिए तो अभी वो ऑफ रोड दौड़ लीजिएगा। अभी बस हम लोग पहुंच चुके हैं जो डैम वाली लोकेशन है यहाँ पे, और इसके आसपास ही कहीं वो ऑफ रोड, प्रॉपर ऑफ रोड वाली लोकेशन है, वो ट्रैक बनाया गया। आप देखते हैं कहाँ बनाया। तो बहुत एक्साइटेड है, बहुत मजा आने वाली, क्योंकि बाइकिंग तो हमेशा करते हैं हम लोग, मजे करते हैं। ये कार वाला स्पोर्ट हम पहली बार करने वाले हैं, थोड़े मजे करने वाले हैं, देखते हैं क्या रहता है, कौन सी गाड़ी कितनी केपेबल है ऑफ द रोड। ऑन द रोड तो हमें पता है तीनों ही कार्स बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही बेहतरीन है। यहीं से लेफ्ट लेना है मुझे, आई गेस नहीं, 90% श्योर हूँ। अब पता नहीं वो लोकेशन आगे बनाई गई है कि नहीं, बट हम जहाँ ऑफ रोड करने आए थे वो यही वाला पॉइंट था, बढ़िया सा। देखते हैं क्या सीन रहता है। अपने पास तो मॉन्स्टर ट्रक है तो अपने को तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, जम करते हुए पहुंच जाएंगे। पीछे वालों का देखना है, पीछे वालों का नहीं, सिर्फ बीच वाले का, जो आश्रय जायसवाल है उसका देखना है, क्योंकि उसका गाड़ी का नाम तो जरूर XUV है, बट ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा कम है, हमें पता चला था ट्रिप पे। उसके पीछे तो फॉर्च्यूनर है अल्टीमेट, उसके लिए तो कोई ये सब चीजें भाई बहुत बेसिक है भाई। रोड देखो, टेरेन देखो भाई, भाई पीछे धूल धूल हो गई, खतरनाक सीन है, दिखाता हूँ पीछे का, ये देखो यहाँ से हमारा ऑफ रोड ट्रेन शुरू हो रहा है। और भाई खतरनाक ऑफ रोड लग रहा है, कि अभी देखना है कि फोर व्हील ड्राइव में कैसे डालते हैं, क्या करते हैं इस गाड़ी को। भाई दुबई वाली वाइब्स आ रही है भाई, प्रॉपर दुबई वाली वाइब्स आ रही है, जैसे डून बैचिंग करते थे हम लोग, खतरनाक सीन है भाई। बट यहाँ पे बस, यहाँ पे डेजर्ट नहीं है, पीछे मॉन्स्टर ट्रक देखो भाई, फॉर्च्यूनर को देखो। वो सीन्स ऐसे हैं, और वो देखो मैं आपको दिखाता हूँ स्लोप कहाँ पे, तो वो रहा,
वहाँ पे देखते हैं क्या सीन होने वाला है, ट्राई करने वाले हैं उसको। और ये पहली बार आए हो ना अभी तक एक्सयूवी लेने के बाद तुम ऑफ रोड करने? हम सब लोग एक्चुअली पहली बार आए हैं। ये सब गाड़ियाँ जिस काम के लिए बनी हैं उसके लिए हमने यूज़ करी नहीं, हमेशा चलने के लिए यूज़ करी गई हैं। तो आज देखते हैं क्या होता है। एक्चुअली फॉर्च्यूनर से तो बहुत उम्मीदें हैं भाई। तो अभी यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हो सामने जो सबसे खतरनाक वाला है वो तो भाई बहुत ही डिफरेंट लग रहा है, मुश्किल लग रहा है। और यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स भी बने हुए हैं। आराम से स्लो स्लो स्लो। बाप रे, और पीछे से लानी पड़ेगी फोर व्हील ड्राइव लगा के। और पीछे से लानी, रुकिए मैं देख रहा हूँ ऊपर सेफ है क्या, उस पार क्या है वो तो देख रहा हूँ। रुकिए कि सीधा जा रहे हैं। नहीं नहीं वो उधर देखिए, उधर लटक गई एक्सयूवी, लटक गई। रुको मैं आ रहा हूँ भाई। अबे कहाँ चली गई ये, सच में लटक गई है? क्यों निकाल लो साले, नहीं निकलेगी भाई। भाई तो तुम इसमें घुसेड़े क्यों? अबे आगे वाले छोटे थे उसमें चलते भाई। निकल लिए। रुको। सुनो। पहिए लेफ्ट राइट करो जल्दी जल्दी और एक्सीलेटर लो। हाँ। ट्रैक्शन ऑन कर लोगे तब तो कुछ नहीं होगा। लेफ्ट राइट करो भाई, पीछे नहीं हो रही पीछे। हाँ यहाँ पे थोड़ा कंट्रोल रखना था, सब आते ही लटक गए। वो वहां चढ़ रहे हैं, यहाँ फंस गया है वहां पे। अतर भैया फोर व्हील ड्राइव ऑन करिए, ऐसे नहीं जा पाएंगे ऊपर तक। जूते उतने सबसे पहले क्या ऊपर? हाँ, ऊपर तो चले ही जाएंगे। फंस गई है, फंस गई। हाँ अरे वो लाया है बेल्ट, लाया निकल जाएगी बेल्ट, घसीट देंगे अभी बांध के। यहाँ थोड़ा कंट्रोल इन्वायरमेंट करने आए थे, ये वहां चढ़े जा रहे हैं, वहां फंसे हुए हैं कुछ। उधर देखिए पैरों में भाई, ऐसा होगा क्या? सही है। चलें करें। हाँ हम लोग लटक रहे हैं इधर। मुझे तो हंसी आ रही है, आते ही लटक गए, शुरुआत इतनी खतरनाक हुई इनकी। अबे अबे क्या? अबे भाई ऐसे ही लगता है ना। हाँ ये तो अंदर घुसा जा रहा है। कभी कभी होता है भाई। हुक छोटा पड़ गया तो और कितना। अबे तो क्या हुक अंदर जाएगा, इतना तो बंधेगा कहाँ, फिर अंदर ही गिर जाएगा भाई। भाई कहीं और होगा कुछ। हमने पजेरो में ये एक्सयूवी 700 बांध दी है और ये देखो आप कहाँ से फंस गई है, वो तो मैं दिखाई चुका हूँ। और इसको जो हुक दिया है वो भी गलत गाड़ी का दे दिया है कोई बेचारे को, तो इसका हुक भी छोटा पड़ रहा है। चले भाई कुछ तो होगा। किस पे आई है? गेट बंद कर दूं? रुकिए उसको तो बैठने दिए, थोड़ा आगे ले जाइए आप, हल्का सा ले जाइए, हल्का। रुक जाइए। लगाइए। आ रही, आ गई। ये हो गया। और वो वाला तो सबसे खतरनाक है, वो लास्ट अटेम्प्ट होगा, मतलब कई गाड़ियों का हो भी सकता है। तो अभी यहाँ पे इस बार अभी हम करने जा रहे हैं फॉर्च्यूनर वर्सेस एक्सयूवी 700। और एक्सयूवी 700 ऑलरेडी एक बहुत बड़ा वाला वहाँ पे था, उसमें फंस चुकी है क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस कम है इसका। बट ये थोड़े छोटे गड्ढे हैं कह सकते हैं, अब मुझे तो इनको पता नहीं क्या कहते हैं, ऑफ रोड का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं। तो अभी देखो एक्सयूवी 700 आ चुकी है यहाँ से। निकाल भाई धीरे धीरे, शीशा खोल लो, मैं गाइड करता रहूँगा। सही है, जाओ। बहुत स्लो। हाँ सही है, बिल्कुल छू नहीं रही कहीं भी, सेफ है भाई। बढ़िया। ऐसे ट्राई करते हैं। करो। बहुत स्लो है बे। इसके लिए थोड़ा मोमेंटम चाहिए।
और ये बहुत हार्डकोर हो जाएगा एक्सयूवी के लिए। अबे मोमेंटम नहीं आ पाएगा, ये तो है। चलो अब अथर्व भैया को आने दो, लेफ्ट लो। अबे फोटो ले लो भाई, अच्छी भाई बहुत अच्छी आएगी। तो अभी आश्रय की एक्सयूवी का ये हमने छोटा वाला किया, अब फॉर्च्यूनर का वो करेंगे जिसमें एक्सयूवी फंसी थी। लेट्स सी क्या होता है। बाकी अपने पास बैकअप व्हीकल है वहाँ पे इमरजेंसी में काम आने के लिए, देखते हैं। चलिए धीरे धीरे, बहुत धीरे। ले आइए, लाइए 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 लाइए। रुके 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 रुके, इसी तरफ रखिए, इस तरफ रखिए। हाँ बस बस बस, ले आइए भाई, आराम से हो रहा है इसमें तो, आराम से। स्पीड कम, लाइए लाइए लाइए। थोड़ा इस साइड, अपने साइड अपने साइड अपने साइड अपने साइड अपने साइड अपने साइड। भाई ये सही था भाई, बहुत इजी हो कर दिया था इसने। बताता था फॉर्च्यूनर क्या ही करना है लड़के, ये वो है। आज बेचारा कह रहा है कि ठीक है, मतलब कुछ तो है गाड़ी में दम। सही है ना? चलो भाई, अच्छा पानी रखा रास्ते में, रास्ता बहुत ऊंचा है ना। चलिए देखते हैं कहाँ तक जाएगी। अरे भाई भाई बहुत ऊपर तक गई है। हाँ अरे कैसे बैक हो रही है जंप कर करके भाई, ऑलमोस्ट ये पहुंच जाएगी लग रहा है, ये तो पहुंच ही जाएगी लग रहा है ऊपर तक। लेकिन ऊपर डर लग रहा होगा ना देख के, अभी एक्सयूवी और इसका राउंड चल रहा है ना। अभी आश्रय तुम एक बार और ट्राई दोगे उस पे, एक बार फिर से ट्राई करें एक्सयूवी से वो वाला। हाँ चलो हटाओ छोड़ो। अच्छा करते हैं भाई, रुको मुझे करने दो, तुम नहीं कर पाओगे सही से। ठीक है अबे ढक्कन खुला आगे का, रुको चलो जाओ जाओ जाओ। देख के उधर में भाई, अदर भी हम एकदम से बैक ना कर दें। आराम से मैं बता रहा हूँ रुकना, इस बार बताते हैं वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। रुकना भाई, चलो सुनो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जब तुम इस वाले इसमें जाओगे तो तुम गाड़ी का वेट उधर रखो मोस्ट, और जब तुम उस वाले में जाओगे तो गाड़ी का वेट इधर रखो। पिछवाड़ा नहीं मूव करना है साले, भाई समझ नहीं रहे हो। जब तुम इस गड्ढे में जा रहे हो तो उधर वेट रखो। तो गाड़ी सीधी ले जाऊंगा ना यार। भाई चलो भाई जो भी है ठीक है, धीरे से रुको मैं बता रहा हूँ वरना बैक ले लेना। रुको यही जगह थी जहाँ तुम फंसे थे भाई, बहुत जल्दी फंस जाते हो बे, ट्राई करने से पहले ही गाड़ी फंस जाती है इसकी। मैं उसको मिस गाइड किया प्रॉपर। रुक जाओ मिस गाइडेंस बढ़िया था मेरा। बस रहन दो वो पीछे ही तो जा ही नहीं रही लेकिन ट्राई तो कर रहा है बेचारा यार। अब इतने ये देखो यार भाई, ग्राउंड में बहुत कम है भाई इसकी यही भाई। और एक तो जब एक बार फंस जाती तुम्हारी गाड़ी ताकत ही नहीं लगाती है उन पहियों पे, तुम्हारी गाड़ी उल्टा करती है, जो हवा में उनमें पावर दे रही है, जो ट्रैक्शन मिल रहा है उनमें नहीं दे रही है। कह रहा था हटाओ कर लेते एक बार, लाओ अपनी वो निकालो रस्सी पतली वाली, उसी से काम होगा। आप अब उस तरफ लटक रहे। हाँ भाई तुमने शिफ्ट तो किया है, कुछ चेंज किया है। हम ही लटक तुम रहे, हम क्यों लटके बार बार में, तब से जहाँ जा रहे हो लटकी जा रहे तुरंत। ये ऑल व्हील ड्राइव का जो टैग है ये हटा रहा हूँ मैं आज इस गाड़ी से। बताओ जसवाल फिर से एक बार उसी गड्ढे में गिर चुके हैं जहाँ से निकाला गया था इनको, और अब ये रही हमारी पजेरो जो बैकअप व्हीकल खड़ी है यहाँ पे। ये बढ़िया भाई, तुम्हारे लिए ना स्पीड ब्रेकर ही सही है सिटी के।
अबे नहीं आप रहने दीजिए, मुझे ऐसा लगता है आशय की जगह कोई और अटेम्प्ट करे। हाँ यार करना है, बताओ। नहीं नहीं, नहीं।